छतरपुर में असम राइफल्स में पदस्थ जवान ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान की पत्नी 6 साल से उसके साथ नहीं रह रही थी और वह तनाव में था। ग्वालियर हाई कोर्ट में उसका केस भी चल रहा था। महाराजपुर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में असम राइफल्स में पदस्थ जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक जवान हरिचरण अहिरवार असम में तैनात था। पिछली 8 जुलाई से वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। मृतक जवान के पिता का आरोप है कि मृतक हरिचरण की पत्नी 6 साल उससे अलग रह रही थी। पत्नी के अलग रहने से उसका केस ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहा था। 2 दिन पहले मृतक जवान ग्वालियर पेशी में गया था, जहां उसकी पत्नी पेशी पर नहीं आई, जिससे वो तनाव में था, जिसने परेशान होकर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जवान की खुदकुशी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे को कल 4 बजे बच्चे ने, मेरी असम राइफल में नौकरी करता था और कल परसों ग्वालियर से कोर्ट में गया था। ग्वालियर से आया गांव ग्राम उमरिया में, तो उन्होंने 6 साल से ये बहू रह रही, उसके साथ नहीं रह रही, उसकी तनख्वाह से पैसा भी कट रहे हैं और ऐसो वो उसके हाथ नहीं रहती, उल्टा सीधा एड्रेस डालती है ग्वालियर का, वो मिल नहीं रही है। कोर्ट में गया ना, तो कोर्ट में भी उसने पुकार की तो कोर्ट में भी केस चल रहा है और कोर्ट से कोई उसका काम नहीं हुआ। तो यहाँ घर पे आकर के मेरा पैसा भी जा रहा है, मेरे और मेरे साथ नहीं रह रही है, मेरा 20 लाख का जेवर भी ले गई है, मेरा सामान भी ले गया, मेरा क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मेरे को यही आखिरी है कि मैं अपनी बंदूक से और अपनी आत्मा गोली मार लूँ। जी, महाराजपुर थाना अंतर्गत कल हरिचरण अहिरवार जी हैं, ये असम राइफल्स में पोस्टेड थे। इन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। अभी जो प्रारंभिक जांच में वस्तु स्थिति आई है वो इनके पारिवारिक कारण समझ में आ रहे हैं और बाकी आगे जांच जारी है। इसमें संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।